इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रदोष व्रत की विधि, प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसे हम त्रयोदशी व्रत भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे चैनल पूनम की आस्था को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बहुत सारे लाइक इस वीडियो को दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हिंदू पंचांग में त्रयोदशी को सौभाग्य की तिथि माना गया है। तमाम कार्यों के लिए शुभ मानी जाने वाली इस तिथि पर भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा विशेष महत्व देती है, जिसे करने से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को हम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह प्रदोष व्रत यदि किसी को उठाना हो तो वह महाशिवरात्रि से यह व्रत उठा सकता है। महाशिवरात्रि से यह व्रत आरंभ करना बेहद ही शुभ माना गया है। प्रदोष काल में किए जाने वाले नियम, व्रत एवं पूजन को प्रदोष व्रत या अनुष्ठान कहा गया है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से जुड़ा यह पावन व्रत का फल प्रत्येक बार के हिसाब से अलग अलग मिलता है। जैसे सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को हम सोम प्रदोष या चंद्र प्रदोष भी कहते हैं। इस दिन साधक अपनी अभिष्ट कामना की पूर्ति के लिए शिव की साधना करता है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को हम भौम प्रदोष कहते हैं और इसे विशेष रूप से अच्छी सेहत एवं बीमारियों से मुक्ति की कामना के लिए किया जाता है। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को हम बुध प्रदोष कहते हैं। इस दिन किया गया व्रत प्रदोष सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। गुरुवार को किया जाने वाला प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन शत्रुओं पर विजय पाने के लिए और उनके नाश के लिए इस व्रत को किया जाता है। शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य मिलती है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को हम शनि प्रदोषम के नाम से जानते हैं। इस दिन पावन व्रत को पुत्र कामना से किया जाता है। अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान करके शिव जी का स्मरण करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। अब सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ दें, उसके बाद भगवान शिव जी माता पार्वती जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए, चालीसा का पाठ करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। फल फूल धूप दीप अक्षत भांग धतूरा दही दूध और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। अंत में आरती अर्चना कर भगवान शिव माता पार्वती से अन्न जल और धन की कामना करें। दिन भर उपवास रखें, शाम के समय आरती करें, अर्चना करें और व्रत खोलें। फ्रेंड्स, पूजा सामग्री इस प्रकार है। शिव पार्वती और नंदी महाराज की मूर्ति, मूर्ति ना हो तो आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं और मंदिर में जाकर शाम के समय भगवान की पूजा करनी चाहिए, यह विशेष फल देती है। सामग्री में आप गंगा जल से भगवान को स्नान कराएं, बेलपत्र गंध अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य भोग फल पान सुपारी लौंग इलायची अर्पित करें। तो फ्रेंड्स, ये थी पूजा की सामग्री। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए। तो प्रदोष व्रत में आप अन्न नहीं खा सकते हैं, आप एक समय नमक खा सकते हैं, शाम के समय आलू बनाकर किसी भी अन्य चीज में व्रत वाला नमक डालकर खा सकते हैं, दिन में आप फलाहार कर सकते हैं और यह व्रत ज़्यादातर मीठा ही रखा जाता है, लेकिन आजकल लोग नमक भी खाकर यह व्रत करते हैं तो नमक हम इस व्रत में खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं मासिक धर्म में हमें यह व्रत लेडीजों को करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मासिक धर्म में भी आप यह व्रत रखिएगा, छोड़िएगा मत। बस आप पूजा आप अपने घर के किसी अन्य सदस्य करवा दीजिएगा, आप जो भी भगवान को अर्पित करती हैं वो सब चीज़ें चढ़वा दीजिएगा। यदि कोई इतना नहीं कर पाए तो केवल दीपक ही आप भगवान को अपनी तरफ से चढ़वा दीजिएगा और आप व्रत रखिएगा जैसे आप रखती थी वैसे। तो फ्रेंड्स, यह प्रदोष व्रत के बारे में मेरी यह जानकारी थी छोटी सी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।